अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। पूरे वीडियो कैप्चर करो, अपलोड करो ना को। इंशाल्लाह ये आज का वीडियो जरूर अपलोड होगा। हमारे गांव की दावत कर रही हैं, वो भी इंशाल्लाह एक दिन जरूर आएगा कि उसकी कैपेबिलिटी होगी हमारी कि पूरे गांव को खिलाएंगे। मगर आज सिर्फ हमारा फ्रेंड सर्कल, मिनी सर्कल की दावत का इरादा क्या है, इतिहास करते जा रहे हैं, बैंक में बैठ कर पैसे निकालने इसी के लिए बैंक में कर रहे हैं, हमारे यूनियन बैंक में पैसे निकालने के लिए, और ये हमको वेट करा रहे हैं। यहाँ पर टाइम की बहुत कीमत है और हमको यहाँ पर ये वेट करा रहे हैं। गर्मी ऊपर से मार रही, सच मार रही, ये चार चार पाँच पाँच छः छः फैला चल रही, फिर भी गर्मी संभालने हमारा नहीं। ये चेयर अंदर है, सो बैठो, आप भी तब तब आ रहा का तब एक सर का यहाँ। अब ये पैसे खुले गए हैं, शरबत बना रही, शरबत परसों पिया ना भाई, वो भी अपलोड कर दो वीडियो, स्पेशल वीडियो, वो भी एक आता है अभी आज शाम में, जो सुबह सुबह में आता है वीडियो, वो शरबत बहुत पसंद आया हमें, इसलिए आज रिग्रेट कर रही शरबत को। इसके लिए उम्मीद है वैसा बनने का इंशाल्लाह जरूर। उसके लिए आइटम्स लेने आए हुए हैं यहाँ पर हम नसीबुल, क्या क्या आइटम्स चाहिए अभी शरबत के लिए? पर्सनली थोड़े बहुत दाल वगैरह चाहिए, इसलिए दाल अभी वो एक और स्पेशल आइटम बनने वाला है यहाँ पर, वो उसकी तारीफ हमारे भाई खुद करेंगे अपने मुँह से जी। क्या है खिचड़ा? खिचड़ा मतलब हमारे एड्रेस को थोड़ा समझ में आए सर का, नॉट खिचड़ा, इट्स खिचड़ा मीन्स अभी हलीम, काइंड ऑफ हलीम हलीम कहते हैं उसको। खाकर हम टेस्ट उसका ज़रूर आपको बताएंगे, खिला तो नहीं सकते लेकिन मुझसे ज़रूर करवाएंगे आप। तो के लिए साथ सब्जे दूध शरबत के लिए, शरबत के लिए चक्कर वगैरह बहुत कुछ चीज़ लेना है। अमाउंट विड्रा करना है, कोई पैसे दे रहे नहीं जपारी देखो तो मेरे तरफ से इसके आधार डाल कर दी, कुछ कंट्रीब्यूट करना खुद कर, इसके वजह से रखो यार कंट्रीब्यूट है, अल्लाह फल से हमें सीखेंगे आगे जब पूछेंगे तब कर दी इंशाल्लाह। अभी हमारा टूर्नामेंट आने वाला है, जब बोला तो कर सकते हैं आप, तो मिलते हैं आपको विथ योर एडवर्टाइजमेंट। या एडवर्टाइज बहुत खूब हो जाएगा, बहुत तरक्की होगी आपकी आइटम्स की, आपके स्टोर्स की, आपके बिजनेस की। तो चलिए आपको कुछ सामने जब कुछ खरीदने जाएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। इंतहा हो गई इंतज़ार की, लेकिन ना कुछ खबर हमारे माल की, कब से शायरी की मारने लगे आप, ये बड़े बड़े ख्याल आया है, ये आखिर कब देंगे भैया? मैडम थोड़ा जल्दी कर दीजिए यार, मौको अच्छे दे दीजिए, हम चले जाएंगे। बस आके आधा घंटा हो गया यहाँ पर, कुछ मिल नहीं रहा। अरे आखिर कब ख़त्म होगा भाई यहाँ का इंतज़ार, एक घंटा हो गया इंतज़ार करते हुए, कोई जान अभी भी दीजिए, पता नहीं आखिर ये काम कब ख़त्म होगा और हम हमारे इफ्तार के दावत के लिए आइटम्स लेने के लिए कब रवाना होंगे, अल्लाह बेहतर जानता है। तो फाइनली यहाँ पर डेढ़ घंटे के इंतज़ार के बाद पैसे निकाल चुके हैं हम। संभालो भाई, क्या मजाक कर रहे हैं, डेढ़ घंटे का इंतज़ार करने के बाद माल निकाल के हम रवाना हो रहे हैं यहाँ, एकदम इतिहास जता के इस धूप में निकल रहे, सिर्फ दिमाग खराब होना हो। अभी हम गुफा से निकल रहे हैं पहाड़ों की तरफ, ये धूप भड़कती धूप हाय गर्मी, हाय गर्मी। एक बात कहना चाहता हूँ, इजाज़त है? ज़रूर कहिए। मसला क्या है, रमज़ान में रोज़े रख रही हैं, ये धूप में यही सुकून है जी। रोज़े ख़त्म होने के बाद सब बोलती हैं देखो रमज़ान ही बराबर था, बोल को हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन ये कोई अभी वीडियो देखने वाला महसूस कर सकता है, कर सकता, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रहिए ताकि ये वीडियो आप बाद में देखें
और हमको सही ठहरा सके उत्तराखंड की बात को। पैसे तो निकाल चुके हैं हम, अभी हम जाएंगे कुछ शॉपिंग के लिए, वेजिटेबल शॉपिंग, वेजिटेबल एंड ड्राई फ्रूट्स के लिए शॉपिंग बाकी है अभी। साथ में सभी दुन का स्टोर भी थोड़ा बहुत हेलेट होता है अभी थोड़ी देर में। समीत पैसे तैयार रखे, पैसे तैयार रखे हम आ रहे हैं। चलिए पैसे नहीं भाई, आइटम रेडी रखे बोले। आपकी बुलेट उठाइए भाई जान, आप और आपकी बुलेट। हमारी बुलेट तो घर में आराम कर रही है। अभी किधर चले? बिस्मिल्लाह। अभी किधर? अभी वेजिटेबल्स के पास। क्यों भाई? वेजिटेबल खेलने के लिए क्या? जी ठीक है। उसके बाद? उसके बाद इंशाल्लाह और आप और आपकी वॉच जी, और रोबजा और दूध और कहाँ लेंगे हम? दूध इधर डायरी है, ले लेंगे इंशाल्लाह रोबजा। इधर मैं एक GST फाइल करता हूँ, यजमान कने चल जाएंगे, ले लेंगे कहते हैं जी। जैसा आप ठीक समझे। और कुछ? बस हमारा वॉच का काम बाकी है, बस वॉच का। अभी इधर वेजिटेबल लेके उधर जा रहे हैं, तो बहुत कर रही है जाके, टाइम नहीं है यहाँ पर अभी। हाँ यही तो है, असर का टाइम हो जा रहा है यहाँ पर, नमाज का टाइम हो जा रहा है। क्या है वेजिटेबल पूड़िया सब ले लेंगे, तो लग टाइम ही हो जा रहा था। आइटम नहीं बना तो बस अभी मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा रूम हाँ देख लेंगे भाई। सब्जी हमने गाजर टमाटर और अरे बाबा अरे संभाल के भी गाजर और टमाटर खरीद लिया है यहाँ पर हलीम के लिए। और आगे हम दूध भाई सलीम के घर में खाएंगे इंशाल्लाह। आगे अभी दूध और अरे संभालोगे अपनी चाबी गाड़ी की? टोप ले लेगा तुम्हें। अभी दूध और रोबजा लेना बाकी है, चलिए चलते हैं। चलो भी तो हमने अभी दूध भी खरीद लिया है, दूध और दही, दूध और दही के लिए। और यहाँ से क्या बाकी है बेबी? रूहफ़्ज़ा दाल और किसके बीजा? वो सब्जे के बीजा लेना बाकी है बस। ये फैमिली पैक सर का पैक कर लेना है दूध को। कुकीज 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 है या दूध है? दूध कुकीज। चलिए डूबे कंटिन्यू। इधर क्या ले रहे भाई? दाल वगैरह लेने आए हैं भाई। दाल हलीम के लिए क्या? जी बस और दाल शुगर ले लेंगे इंशाल्लाह। शक्कर थोड़ा बहुत चावल चाहिए था। कभी इतनी शॉपिंग है आज, इतनी शॉपिंग करके जा रहे हैं इधर से। बहुत बड़ी दावत है आज 4-5 लोगों की। हमने सोचा जनाब को रेसिपी मालूम है क्या क्या इंक्लूड होता है हलीम में। इधर ये देखिए घर से लिस्ट बना कर लेकर आए हैं यहाँ पर, घर वालों को पूछ कर क्या क्या होना भी की बात क्या है। तो इतने बड़े दुकान में होलसेल चलता सो 50 ग्राम में तो घबरा हो जा रहा है। आइटम यहाँ छोड़ कर आ जाने का गाड़ी के लिए तुम्हें। बड़े खुशमिजाज आदमी है हमारे, ये कहीं भी कोई भी भूल जाता है। चलो भी अभी रोबजा भी और सब्जी की बिना लेना बाकी है और गरम मसाला। ये हमारा उसामा भी बड़े खिलाड़ी, हर जगह इंतजार के अलावा और क्या भी नहीं कराते। 5 मिनट बोल के जाते, 50 मिनट करके आते। जनाब एज यूजुअल 1 घंटा वेट करा कर आ चुके हैं। बताइए सब कुछ मिल गया लेकिन चिकन नहीं मिल रहा। इधर चिकन नहीं मिल रहा भाई, बहुत डिमांड हो गई है। सारा गांव छान दिए, चिकन नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पर कुछ और मिला है हमको, पूरे शहर में नहीं है। यहाँ पर ग्रीनरी दिख रही है हमको। मेरे को क्या मार रहा फाइट है? इधर बदखान की दखान दिख रही है। ले यार मार देंगे, काट देंगे, क्या सोच रहे हो? क्या ग्रीनरी है भाई, क्या ग्रीनरी है। मजा आ गया, मजा आ गया, देख के मजा आ गया। जगह निकलने निकल जा रही है हमारी, इधर देखते हैं। चलिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा अभी हमारे हलीम के लिए। तैयारी जीत की गाइस। हेलो गाइस, शीरा पी लो।
माशाल्लाह माशाल्लाह बाहर ही बाहर है, हर तरफ बाहर है। चले इधर हमारे भाई लोग आइस फोड़ रहे हैं। क्या है जी? जी हमारे को शीना धोना है। शीन क्या भाई, सब कुछ धोएंगे, बस हमको जूस अच्छा से पिला दो। गरम है ये वो। बाहर है, बाहर बड़ी बाहर है आज। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा जूस बनने वाला है आज। इफ्तारी करना सरो चुप, इफ्तारी करना चुप रोजे। डर रहे हाथ में बड़ा माल है। इफ्तारी करना चुप रहो भी, उसके बाद लड़ लो कहते क्या ती भी करो बा। मैं सीन देखता हूँ फेड़ को मंजे उड़ाने को जरा भी। तो गाइस बहुत ही खास मकसद के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। वो मकसद आप सब लोग जानते हैं क्या है जी, बताइए एक बार आप जनता। क्योंकि अभी 10-15 मिनट में शुरू होने वाला है इफ्तारी। बेशक सहारी तो सब कर लेते हैं मगर इफ्तारी करना बच्चों का खेल नहीं। जैन ब्रो जॉइनिंग अस। जैन ब्रो हमको हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए जूस, नीचे से रेड, बीच में पर्पल और ऊपर वाइट। इस तरीके का नायाब जूस हम पहली बार देख रहे हैं। दावत अल्लाह फजल से सक्सेसफुल हो भी चुके हैं। इनविटेशन 2-3 लोग को और दिया था मगर वो नहीं आए। काश आप आ जाते। काश हम आपको देने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। कैजुअल था इसीलिए वो नहीं आ पाए। शादी की दावत, घर घर को जाकर बुला को आने। काश आप लोग खा पाते हमारा आइटम, लेकिन पहुँचा नहीं पाए हम आपको। कुछ बोले जनाब इफ्तार के बारे में? कुछ भी बोलने के हाल मोहब्बत शिद्दत में नहीं है अब। जनाब का पेट भर कर गले तलक आ चुका है जनाब ना, ऊपर गले तलक सब आको है सही मीठा अंदर किक्का मार रहा है। दिमाग की नस घसीट रहे करे तो क्या करे, यजमान कैसा अंगूर खाए। फिर भी भाई जोक सपाट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा इफ्तारी हो चुकी है आज। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मेहनत है, रेडी हो रहे हैं। हमारे इमाम साहब मगरिब की नमाज पढ़ाने रेडी हो चुके हैं यहाँ पर समीज इरफान। इससे पता चलता है चोर कहीं पर भी शांत नहीं बैठ पाता, जहाँ भी जाएगा कुछ ना कुछ करते ही रहेगा। घर किसका है मालूम नहीं, लेकिन नींबू तोड़ने पर लगा हुआ है ये। चोर की शक्ल दिखे, चोर की शक्ल दिखे। क्या चाहते हो आप, कुछ कहिए, हम आपके पास आए हैं जूस लेने के लिए। कैसे लगी आपको हमारी इफ्तार की दावत? कुछ अच्छे शब्द बोलिए। कैसी लगी हमारी मेहनत? अच्छा नहीं लगी लेकिन बहुत अच्छी तो लगी। अच्छी तो लगी लेकिन अभी पेट पूरा भर चुका है, ग्राइंड हो रहा है अंदर। अभी इसको निकलेगा पता नहीं, अभी इसको पीसना है। वो पीसे जा रहा है वो नमाज पढ़ के पढ़ते ही पीस जाए, पीसे जाएगा। ये बात तो सही है। तो नमाज की तरफ चलते हैं हम। और एक 12 लीटर जूस पड़ा है। जूस पड़ा है सर, चैलेंज किया है कि सारा खत्म करेंगे जी बिल्कुल।